हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज है संडे और संडे का ब्लॉग शूट देखती हूँ मैं, कितना कितना वीडियो मैं आज शूट कर पाऊँगी। और ये वीडियो आएगी कल मंडे को, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी इवनिंग का टाइम है, वीडियो तो मैंने पहले से शूट करके रखी है। इवनिंग का टाइम है, 4 बज गए हैं और ये लोग जो है ना सो रखे हैं अभी। और मैं तो ऐसे सोती नहीं, बस थोड़ी देर ऐसे ही आलस आ जाता है ना खाना खाने के बाद। और 2-3 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ी लेटी थी, उसके बाद मैं उठ गई, हाथ मुँह धुल के मैं अभी रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी, तो उसके बाद देखती हूँ। तब तक ये उठ जाएंगे, उसके बाद क्या क्या वीडियो बन पाती है, कुछ तो बना रखी है। मैं थोड़ा तराई करने के लिए जा रही हूँ ना, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, छत एकदम जल्दी से सूख रहा है। तो थोड़ी देर बाद आती हूँ फिर वहाँ से, फिर उसके बाद आप लोगों से बातें। तो दोस्तों, मैं छत में तराई करने के बाद आ गई थी और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और चाय थोड़ा मसालेदार बनाऊंगी क्योंकि मेरे गले में ना खराश हो रहा है, मतलब दर्द सा हो रहा है 2-3 दिन से, पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है। तो मैंने इसमें 2 छोटी इलायची डाल दी और एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का कोट के डाल दिया है। और 2 डाली मैंने इसमें काली मिर्च, वो कैमरे में मैं नहीं दिखा पाई, वो पहले डाल दी थी। इसके बाद मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है, चाय पत्ती, और ये सब सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी। और इसको मैं ढक दूंगी फ्राई पैन को। हम कुछ भी खाना ढक के बनाएं तो जल्दी बन जाता है, तो चाय भी हमेशा ढक के ही बनाती हूँ मैं। और देखिए जल्दी इस पर उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं दूध डालूँगी। तो मसाले डाल, जैसे काढ़ा बनाओ ना तो मुझे काढ़ा सूट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी जाती है, मुँह में छाले आ जाते हैं। तो मैंने सोचा चाय ही मैं आजकल 1-2 दिन तक ठीक नहीं हुआ गला, मसालेदार पीती हूँ। देखिए उबाल यहाँ जल्दी पर से आ हमारी गया चाय खाना बन पकने चुकी है से। और मम्मी के लिए उसके बिस्कुट बाद भी आ मैं चुका इसमें है। दूध डाल दी और दूध डालने के और बाद ये देखिए एक चाय उबाल बन और चुकी है और निकालूंगी अब हम इसमें, जब गैस तक को वो बंद कर देंगे। कड़ न जाए चाय। तो देखिए कितनी देखिए तीखी चाय चाय मेरी नहीं बन है, गई है, इसका कैमरा खराब है तो अब इसलिए हमें निकालती नहीं हूँ मैं सुन। इसको कप में। तो ये देखिए बिस्कुट लेके आया था गौरव, और चाय बिस्किट, ये इवनिंग टाइम का स्नैक्स है। तो गले में खराश खांसी वगैरह हो और हम काढ़ा पीना पसंद न करें तो इस तरह से मसालेदार चाय बना सकते हैं, काली मिर्च डाल के, अदरक, छोटी इलायची वगैरह डाल के। कभी कभी मैं सौंफ भी डाल लेती हूँ थोड़ा सा इसमें। तो चाय पी लेते हैं। देखिए मैं आ गई हूँ बाहर में, यहाँ पे पीओ को भी पढ़ा रही थी और ये लोग भी बिस्किट खा रहे थे, तो मैं यहाँ पे साथ ही साथ चाय पी लेती हूँ और इसको पीओ को भी पढ़ा लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, जब तक कंटिन्यू इसके साथ ना रहूँ ना नहीं पढ़ती। ये क्या गौरव भी नहीं पढ़ता है। तो ये देखिए ये भी उसके बाद की वीडियो है। ये लेके आए थे, पता नहीं मुझे याद नहीं कब लेके आए थे, गुल्लक गौरव प्राप्ति के लिए। और ये वाला जो है ना सिलेंडर की तरह, ये मैं खुद लेके आई थी जब हम रुड़की में रहते थे, मैं और मेरी पीहू अपनी सेविंग इसमें करते हैं। तो ये देखिए भाई, अब गुल्लक है हमारे पास, अब आएगा पैसा बहुत सारा। तो मैं जब आप लोगों से बात कर रही थी उसके बाद मैंने देखा प्राप्ति कुछ काम कर रही थी किचन में, उसने सॉन्ग चला रखे थे अपने मोबाइल में, तो गाने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने वो वाली आवाज़ म्यूट कर ली। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये है प्राप्ति का, और एक इसी तरह का गौरव का है, वो मैं नहीं निकाला। तो मैं देखती थी ये लोग इनमें पैसे डालते या नहीं डालते, तो नहीं डालते हैं लोग, बिल्कुल हिला रही थी मैं तो, खाली सा लग रहा था। तो बच्चों को ये आदतें डालनी चाहिए ना कि जब हम इनके लिए कुछ भी चीज़ इनको ज़रूरत है तो हम खुद लेके आ रहे हैं, तो इनको पैसे ना दें। हस्बैंड जी कभी कभी दे देते हैं इनको कि जाओ दुकान से कुछ लेके आओ, बल्कि हमें खुद ला के देना चाहिए। और इनको जो है ना सेविंग की आदतें डालनी चाहिए कि भाई कुछ बच। और ये देखिए मैं छत में जब तराई करने आई थी तो उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी। देखिए मैंने सारी जो क्यारियर बना रखी है ना छत में, ये फुल भर ली थी। और उसके बाद घर जाओ, घर का थोड़ा काम करो, फिर थोड़े 1-2 घंटे बाद इधर वापस आओ, तो तब तक ये सूख जाता है। मतलब जो ये क्यारियाँ है ना, ये थोड़ा छोटी छोटी बना रखी है, ज़्यादा जो मेन है ना ज़्यादा ऊँची नहीं बना रखी है कि इनमें पानी टिक जाए, तो इसलिए इनमें टिक नहीं रहा पानी। और मेरी सिर दर्दी हो जाती है ना, पूरे दिन भर भागा दौड़ी, इतनी गर्मी है बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।